हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चॉकलेट लर्निंग ट्यूटोरियल। आज हम बनाएंगे कोकोनट स्टफ्ड टीयर्स चॉकलेट। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम एक जगह असेंबल कर लेते हैं। चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 8 से 10 डेट्स लेंगे जिनको हमें डिसीड करना है, मतलब उनके सीड को हमें रिमूव कर देना है। अब हम कोकोनट स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून जो है डेसिकेटेड कोकोनट लिया है ये, और अभी इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क। तो मैं कोकोनट में 2 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क मिलाएंगे। ये मैंने थोड़े से लगभग आधा टेबल स्पून के करीब पिस्ता हैं जिनको मैंने ये ग्रेट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसमें मैं ये डाल दूंगी और इसकी हम एक स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अगर यहाँ पर क्या है ना, अगर आपको थोड़ा और कंडेंस्ड मिल्क मिलाना पड़े तो आप मिला सकते हो, क्योंकि बहुत से कोकोनट जो है कंडेंस्ड मिल्क को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यहाँ पर हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा बाइंड हो गया है प्रॉपरली। ये जो हम मिक्सचर बना रहे हैं ये बाइंड होना चाहिए। ओके, अभी ये देखिए, ये हमारा जो है स्टफिंग रेडी हो गई। बहुत इजी सी स्टफिंग है। अब हम इस स्टफिंग को अपने डेट्स में स्टफ कर लेंगे। तो ये मेरे पास डेट्स हैं, तो इस तरह से बन करके स्पून की हेल्प से थोड़ी सी स्टफिंग इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर फिलिंग नहीं करनी है। ये हमने थोड़ी सी स्टफिंग डाली और ये मेरे पास कुछ पिस्ता हैं जिनको मैंने थोड़ा सा स्लाइस कर लिया है। आप इसको इस तरह से एक दो स्लाइस इसके डाल सकते हैं इस तरह से, और इसको अच्छे से ऐसे पैक कर दीजिए। ऐसे ही हम सारे डेट्स को स्टफ करके रख लेंगे। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मिल्क कंपाउंड को माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। आप चाहो तो डार्क कंपाउंड भी ले सकते हैं और कोई फ्लेवर्ड कंपाउंड का भी यूज कर सकते हैं। प्लेट में ये बटर पेपर रख लेंगे। जो मेरे पास डेट्स है इसको हम इस तरह से डालेंगे, जैसे हमने और डेट्स कोट की हैं उसमें भी ऐसे ही किया है। इसको हम अच्छे से कोट करेंगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको ड्रेन कर देंगे और टिश्यू इसमें बटर पेपर पे इस तरह से छोड़ देंगे। ऐसे ही सारे डेट्स बना लेते हैं। अभी ये देखिए, सारी जो चॉकलेट्स थी इसको मैंने जो है कोट कर लिया है और अभी इसको हम थोड़ा सा गार्निश करते हैं। तो गार्निश करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी हो। मेरे पास थोड़ी सी है तो यहाँ पर थोड़ा सा कोकोनट है वो मैं स्प्रिंकल करूँगी इस तरह से। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिर्फ सिंगल कोट किया है चॉकलेट्स का। आप क्या है इसका डबल कोट भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। तो ये जो दो चॉकलेट्स हैं, ये जो दो डेट्स हैं ये मैंने छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ गोल्डन कलर का शुगर है, मैं इसको स्प्रिंकल कर दूंगी। आपके पास जो भी है, अगर कुछ स्प्रिंकल हैं तो आप कुछ स्प्रिंकल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। ग्रेटेड पिस्ता यूज़ कर सकते हैं और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे टैप करूँगी बिल्कुल लाइटली, जिससे थोड़े से ये जो है इसमें सेट हो जाए। नहीं तो जब ये ठंडी होती है तो बहुत से इसमें जो भी हम करते हैं ना गार्निश वो सब झड़ के आ जाता है। तो हल्का सा करते हैं जिससे कुछ इसमें जो है बने रहें। ओके, अभी इसको हम सेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं कम से। ये देखिए, ये चॉकलेट जो है कम्प्लीटली सेट हो गई है, हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो हमने यहाँ पर दो चॉकलेट छोड़ दी थी इनको हम डबल कोट कर सकते हैं,
कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो चॉकलेट है अगर इसमें कुछ आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको पहले थोड़ा सा हम इसको निकाल देंगे इस तरह से, और इसको हम फिर से अपनी जो मेल्टेड चॉकलेट है उसमें डालेंगे इस तरह से, और इसको एक कोटिंग और दे देंगे। तो आप इस तरह से डबल कोट भी कर सकते हैं, और आप डिफरेंट टाइप की चॉकलेट से भी डबल कोटिंग कर सकते हैं। सपोज़ आपको वाइट चॉकलेट से करनी है या आपको डार्क से करनी है तो आप, और इसको भी हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर देते हैं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल चॉकलेट बनकर तैयार हुई है, ये खाने में भी बहुत डिलीशियस है। आप इसको बनाइए और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।